हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आए हैं एक और अच्छा सा ब्रेड का नाश्ता। ये हमने ली है ब्रेड, ये लिए हैं हमने लहसुन की कलियां जो 9 के करीब हैं। इनको हम ग्रेट कर लेंगे या आप कूट लीजिए अच्छे से। ये हमने रूम टेम्परेचर पर 2 टेबलस्पून बटर लिया है। आइए थोड़ा स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में आपको इंग्रेडिएंट्स बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बटर में कुछ चिली फ्लेक्स, ठीक है, और ये डालेंगे ऑरिगेनो। नमक हम नहीं डाल रहे हैं, नमक इसमें ऑलरेडी है। तो इसको अब डालेंगे लहसुन, थोड़ा डाला है कटा हुआ हरा धनिया। ये लहसुन हो गया जो अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको करते हैं मिक्स। देखिए ये देखिए बटर तैयार हो गया है, इस तरह का कुछ मिक्स हो गया है। रूम टेम्परेचर पर हमें रखना है। हल्का सा नमक भी आप डाल सकते हैं, पर बटर में होता है ये ध्यान रखें। ये मैंने इस तरह की 4 ब्रेड ले ली हैं। मैंने चीज स्लाइस को खोल के लगा दिया क्योंकि रेनी सीजन है और बहुत मुश्किल से ही लगता है, तो बाहर तभी निकालें जब आपको बनाना है। हमने 2 ब्रेड पर ऐसे चीज स्लाइस लगा लिया है। अब हम थोड़ा सा इस पे डालेंगे ऑरिगेनो, ठीक है, थोड़ा चिली फ्लेक्स। ये टोस्ट ना बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और थोड़ा मैं इस पे चीज ग्रेट करूंगी। आप मोजरेला ले सकते हैं, मेरे पास ये प्रोसेस चीज है तो मैं इसको ग्रेट करूंगी। तो इस तरह से हम इस पर चीज ग्रेट कर लेंगे, जितना आप चाहें, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। और जो दूसरी ब्रेड है ना उस पे हम ये इस तरह से बटर लगा लेंगे। देखिए जैसे ये लगा हुआ है ना बटर, इस तरह से हम लगा लेंगे। अब इन ब्रेड को हम पैक कर देंगे। ये व्हाइट ब्रेड है, मेरे पास अभी नहीं थी, तो आप होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं। इस तरह से करेंगे हम इसको पैक, ठीक है। इसमें लगाएंगे हम कट, देखिए इस तरह से हम कट लगा देंगे। और इसके ऊपर फिर से ये बटर लगाएंगे। बहुत ही यम्मी लगती है ये, आप देखिएगा ट्राई करके। चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे बटर को। और ये ना हम थोड़ा थोड़ा नीचे, बीच में पूरा ना जाए, ऐसे कट लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे। ये देखिए इस टाइप से हम छोटा छोटा ऐसे हाफ कट लगा लेंगे ताकि नीचे तक बिल्कुल कट ना हो, ठीक है। और अब हम इसमें ना इसकी सहायता से बीच में ये बटर भरेंगे, जो हमने बटर डाला है ना उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर से लगा देंगे, थोड़ा ऐसे भर देंगे, है ना। और ये बहुत बहुत बढ़िया लगेगा। देखिए जब भी आपके बच्चे कुछ अनहेल्दी बाजार से खाने की कोशिश करते हैं ना, तब आप ये बना कर दीजिए। एटलीस्ट आपने घर में तो बनाया है ना, आपको पता है आप क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रही हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये अच्छा ऑप्शन है, वंस इन अ वाइल आप इसको बनाकर दे सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से इसको कर लिया है स्प्रेड। और अब हम ऊपर से डालेंगे इसमें चीज ग्रेट किया हुआ। ठीक है, इसके ऊपर भी डालेंगे और इनको तवे पर सेकेंगे भी। अब ये देखिए पैन में ना मैंने नीचे हल्का सा घी लगा दिया था, थोड़ा सा घी लगा दें, बटर लगा दें, जो भी है। और इसको अब हम ना कवर कर देंगे, कवर करके बिल्कुल धीमी गैस पे इसको पकाएंगे। ये देखिए चीज जो है मेल्ट हो गया है, मैंने प्रोसेस डाला है। आप मोजरेला लाइक करते हैं तो मोजरेले भी यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए पीसेस हैं अलग अलग, तो प्लेटिंग करते हैं इसकी, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिक गया है बहुत अच्छे से। और मैं आपको बताऊं पीछे से देखिए कितना क्रिस्पी है, देखिए वाओ, नीचे से क्रिस्पी और ऊपर से कितना सॉफ्ट, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। तो बहुत बढ़िया लगने वाला है खाने के बाद। और
ये देखिए जब आप खाएंगे तब आप बता पाएंगे, ये जो क्रिस्पी है ना ब्रेड के पीस, ये नीचे से हमने नीचे तक कट नहीं किया था ना, तो अब आप सेकने के बाद कट कर सकते हैं, नहीं तो क्या वो अलग अलग हो जाता है फिर, तो जल्दी से अच्छे से होता नहीं है, निकल नहीं पाता है। तो ये नीचे से देखिए क्रिस्पी, वाओ। और ये देखिए अंदर चीज, फुल ऑफ चीज है ना, मजेदार। करेंगे ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।